तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लेकर आया हूँ ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आपको मिलने वाला है 6 GB का रैम, 6000 mAh का बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ। फ़ोन की कीमत मात्र होने वाली है 7000 रुपये। अगर आप 7000 रुपये की रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप 7000 रुपये में ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको कैमरा क्लियरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाए, कैमरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो फोटो वीडियो क्लिक करने के लिए, या फिर दोस्तों आपको स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा चाहिए जैसे अगर आप गेमिंग करने आते हैं, डे टू डे टास्क को अच्छे से करने आते हैं, या फिर दोस्तों आपको स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा चाहिए जब उसे हैंड वाइज लेते हैं तो लुक वाइज काफ़ी कमाल का दिखे, या फिर दोस्तों आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिले, यूट्यूब नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिले और दोस्तों आपको बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिले। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देख लीजिएगा इस वीडियो को। हमने हमारी वीडियो में शामिल किए हैं इन ब्रांड के स्मार्टफोन, इनमें शामिल है वीवो, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक जैसे ब्रांड। और दोस्तों जो मैं आपको फ़ोन बताने वाला हूँ वो आपको सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मिलेंगे, वो भी आपको अच्छी कंडीशन में, साथ ही मैं आपको बिल बॉक्स के साथ देखने को मिलेंगे वो भी कम प्राइस में। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे खरीदना है स्मार्टफोन और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा अगर आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो, वो भी कम प्राइस में। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे चैनल की ओर से जीत सकते हैं रियलमी का 7, जो मेरे पास वेरिएंट है वो 6 GB वाला है। तो दोस्तों आपको जीतना कैसे है, आपको जीतने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिना रुके हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों आपको एक लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना और एक ही कमेंट करना है। इतना करने के बाद आप जीत सकते हैं रियलमी का 7। तो दोस्तों देर किस बात की, जीतना शुरू कीजिए। तरफ से आने वाला वीवो का Y11, तो दोस्तों ये स्मार्ट पर आपको मिल जाता है 4 GB रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज और आप मेमोरी कार्ड लगाकर इसे आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं डिजाइन की, तो दोस्तों बैक साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलता है जो कि दोस्तों डिजाइन के मामले में काफी अच्छा लगता है स्मार्टफोन। बात करते हैं स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है इंटरफेस के मामले में काफी अच्छा लगता है, चलाने में भी काफी अच्छा लगता है स्मार्टफोन। और बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिलती है 6.3 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले। बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो 13+2 MP कैमरा मिलता है। यहाँ पर फोटो है वो ठीक ठाक आ जाती है लेकिन इतना भी खास नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं कैमरास के मामले में। बात करते हैं बैटरी के मामले में, तो दोस्तों बैटरी के मामले में स्मार्टफोन 5000 mAh का बैटरी मिलता है, साथ ही में आपको यहाँ पर नॉर्मल चार्जिंग मिलता है, फास्ट चार्जिंग की सुविधा देखने को नहीं मिलती। बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिलता है जो कि दोस्तों आपको डे टू डे लाइफ में काम आ सकता है लेकिन जो हेवी गेम आप यूज़ करेंगे जैसे पबजी हो गया, एसफोल्ड हो गया, वो यहाँ पर आप नॉर्मल सेटिंग पर खेल पाएंगे यानी लो सेटिंग पर। और 4G आपको देखने को मिलता है, तो अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हैं और कैमरास के लिए चाहते हैं तो इस फोन को स्किप कर सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन काफी अच्छा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप कैमरास और गेमिंग के लिए चाहते हैं। तो दोस्तों अगला फोन देखते हैं हम रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी का C3, दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 4 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, यहां पर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक और इसमें दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 3/32 वाला आपको मिलता है वो 7000 रुपये में। बात करते हैं इसकी जो डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है यानी दोस्तों डिस्प्ले के मामले में जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छे ही होते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर डिजाइन की बात करें तो आपको दोस्तों सनराइज डिजाइन दी गई है बिल्कुल Realme 5i की तरह और यहां पर डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी अच्छा लगता है दिखने में भी। और बात करते हैं यहां पर दोस्तों कैमरास के बारे में, तो यहां पर आपको कैमरास भी अच्छे दिए गए हैं 12+2 MP के, कैमरे की क्लैरिटी काफी अच्छी है लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं थोड़ा स्टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो एकदम फोकस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फ्रंट साइड की बात करें 5 MP का कैमरा मिलता है, दोस्तों कैमरे की क्लैरिटी यहां पर अच्छी है लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 सेकंड लगेंगे फोकस होने में, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बाकी तो यह स्मार्टफोन बहुत ही जोरदार है, आपको इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पर दोस्तों आपको मीडियाटेक का हेलो G70 प्रोसेसर मिलता है जो कि पबजी जो है मक्खन की तरह चलेगा, यानी जो प्रोसेसर है वो कैपेबल है हाई ग्राफिक्स गेम को सपोर्ट करने में, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाता है, तो दोस्तों गेमिंग के मामले में स्मार्टफोन अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है और साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ी कमी है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है और साथ ही में आपको इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी नहीं दी गई है, तो गेमिंग के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का Hot 8, तो दोस्तों स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 7000 रुपये है और दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, 4 GB की रैम मिल जाती है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, 256 GB का एक्सपेंडेबल है, मतलब आप मेमोरी कार्ड लगाकर 256 GB तक से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये कम प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन है और यहां पर आपको 6.5 इंच की ट्रू डेप्थ नॉच देखने को मिल जाती है जो ही काफी अच्छी बात है। आपको यहां पर 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है, साथ ही में आपको दोस्तों प्रोसेसर थोड़ा वीक है ध्यान रखिएगा, कैमरा थोड़ा सा मेरे को वीक लगता है इस फोन का, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। बाकी ये स्मार्टफोन रैम आपको ज्यादा मिल रही है, इंटरनल स्टोरेज ज्यादा मिल रही है, बैटरी बड़ी मिल रही है, अगर आप नॉर्मल यूजिंग में लेते
लेते हैं इस फोन को तो ले सकते हो। बाकी एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेसर थोड़ा वीक है ध्यान रखिएगा। रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी 8 डुअल दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको मिलता है 7000 रुपये में मिलता है स्मार्टफोन, जिसमें आपको 3 GB की रैम 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको कैमरास काफी अच्छे दिए गए हैं 13+2 MP का। यहाँ पर दोस्तों कैमरे क्लियरिटी काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप एक्सपेंड करके 512 GB तक बढ़ा सकते हैं यानी मेमोरी कार्ड लगाकर। तो अगर आप मेमोरी कार्ड लगाकर स्मार्टफोन को चलाते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा स्टोर देखने को मिल जाता है। अगर मूवी भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.2 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, HD+ डॉट नोज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट है, 5000 mAh का बैटरी है, स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर है। तो दोस्तों यहाँ प्रोसेसर वीक है, बाकी आपको सारी सुविधा देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती है तो दो कमी है। बाकी कैमरा अच्छा है इसका स्मार्टफोन का। अगर आप ऑफलाइन में इसे परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ले सकते हैं। बाकी अगर स्मार्टफोन को अगर आप नहीं ले जाते तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार पावर 2 को दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर दोस्तों मेमोरी कार्ड लगाकर 256 GB तक इसे मेमोरी कार्ड लगाकर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो 7 इंच की दी गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको मिलती है 7 इंच की HD+ डिस्प्ले। तो अगर आप YouTube, Netflix देखते हो और मूवी देखते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी दी गई है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। और बैक साइड पर आपको यहाँ पर कोड ईयर कैमरा सेटअप मिलता है, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो दोस्तों बात करें कैमरास के बारे में, तो दोस्तों आपको बैक साइड पर कोड ईयर कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको 16+5+2+2 MP का कैमरा मिल जाता है, तो कैमरे क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, फोटो वीडियो काफ़ी अच्छे से आते हैं। अगर स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन है, आप जितने भी स्मार्टफोन देखे अपने पीछे, यहाँ पर बैटरी सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें कि बड़ी बैटरी मिल जाए, डिस्प्ले बड़ा मिल जाए और बैटरी बड़ी मिल जाए, तो ये स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। और साथ ही में स्मार्टफोन में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MediaTek का P2020 प्रोसेसर दिया गया है। तो ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग नहीं करना चाहते हो, डे टू लाइफ में कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो ये स्मार्टफोन ले सकते हो। स्पीकर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जो भी आपको स्मार्टफोन बुक करना है वहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस टाइप से जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर एरर करके इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको स्मार्टफोन बुकिंग लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि इसको क्रोम में खोलना है आपको, और आपको दूसरी वेबसाइट में नहीं खोलना है। आपको देख सकते क्रोम में खोल के यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा हो, वहाँ पर क्लिक कर देना। ये 3 बिंदु दे रखी है यहाँ पर, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 3 बिंदु कर दीजिए और उसी के बाद दोस्तों आपको बुकिंग करना है स्मार्टफोन। यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट में ही बुकिंग स्मार्टफोन आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऐड आएगा, उसको हटा देना है। यहाँ पर वापस बैक जाना है, वापस एक बार क्लिक कर देना है, तो बैक जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया और ये धीरे धीरे पेज खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर पेज खुल चुका है दोस्तों, और पेज खुलने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पर लिखा है फिल दिस फॉर्म टू बुकिंग ए फ़ोन। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको बाइंग करने के लिए, अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद फ़ोन सेलेक्ट करना है, कौन सा आपको ख़रीदना है, आप किस सिटी में रहते हैं, आपका एड्रेस, ये सब कुछ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्टफोन बुकिंग, प्लीज़ गिव मी इन्फॉर्मेशन करेक्ट। तो यहाँ पर आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ही बुकिंग होगा यहाँ पर। और दोस्तों एक बात और, कोई हम ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है, हम कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। अगर आप स्मार्टफोन आपके पास आएगा तभी आप पेमेंट कीजिएगा। आप पहले स्मार्टफोन को देख लीजिएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसी के बाद आप पेमेंट कीजिएगा। आपके घर पे आएगा तभी करना है आपको, ऑनलाइन नहीं करना है आपको पेमेंट। ऑनलाइन हम नहीं करते हैं कि आपको गूगल पे से या फिर पेटीएम से या फिर किसी और किसी तरीके से हम पे नहीं लेते हैं। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ही हम आपका पैसा लेंगे और आपको मोबाइल फ़ोन देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिए।